हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का जो है बिजनेस आइडिया वो है बिरयानी सेंटर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी जॉब्स गवा दी है, बिजनेस में लॉसेस लाए हैं लॉकडाउन वगैरह की वजह से। अब बिजनेस ऐसा हो जो हमेशा चले, कम इन्वेस्टमेंट वाला हो, शुरू करना आसान हो, तो वो है बिरयानी सेंटर का एक बिजनेस, खाने पीने का बिजनेस। अब खाने पीने में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसकी मैं आइडियाज लाते जा रहा हूँ लाते जा रहा हूँ। मैंने पानी पूरी का बिजनेस कवर किया, मैंने पाव भाजी सेंटर का बिजनेस कवर किया, मैं अभी आगे सैंडविच का, आइसक्रीम पार्लर का, सबका बिजनेस कवर करने वाला हूँ। तो आप चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ये बिजनेसेस के बारे में जो आने भी वाले और जो आके भी जा चुके पूरी आइडिया मिलती रहे। अब इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बिरयानी सेंटर। तो दोस्तों, मैंने ये देखा है, मेरे कुछ दोस्त है जो होटल है, जिनका रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट वाले लोग क्या करते वाले में दोस्तों, कि वो लोग ऐसा नहीं कि जब ऑर्डर आएगा तब खाना बनाते, वो लोग कुछ चीजें पहले से प्रिपेयर करके रखते। उनको पता है कि ये आइटम तो बिकने वाली ही है और इतनी तो बिकने वाली है, तो उसमें जो एक हॉट रनिंग आइटम है जो ज्यादातर लोग खरीदते हैं वो है बिरयानी। ठीक है, हमारे यहाँ पे मतलब इंडिया में बिरयानी एक ऐसी आइटम है जो वेज में भी मिलेगी, नॉन वेज में भी मिलेगी, एग में भी मिलेगी और हर जगह मिलेगी, और हर टाइप के लोग इसको खाना चाहते हैं। बिरयानी का जो बिजनेस है वो समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा दोस्तों कि बिरयानी जो है उसमें आपको राइस मिल जाता है और एक प्रोटीन भी मिल जाता है अक्सर, जो काफी पौष्टिक होता है जिससे पेट भर जाता है, और बिरयानी टेस्टी भी होती है जो हमें बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो बिरयानी एक ऐसी आइटम है जो एक फुल मील है हमारे लिए। एक बिरयानी मिल गई, एक पेप्सी या तो लस्सी वगैरह मिल गई, खाना हो गया इंसान का। तो बिरयानी का बिजनेस शुरू करना बहुत अच्छा बिजनेस है। आपकी बिरयानी के अंदर अगर अच्छा स्वाद है तो आप करोड़पति बन सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। जी हाँ, अच्छी बिरयानी आपको करोड़पति भी बना सकती है। मैंने देखा कितने सारे यूट्यूब वीडियो, कितने सारे लोग हैं जो 20-20 साल से बिरयानी बेच रहे। बिरयानी के अंदर ना सिर्फ आपके पास लोग आके लेके जाएंगे, लेकिन आपको बड़े ऑर्डर्स भी आ सकते हैं। तो बिरयानी का बिजनेस के अंदर जो राज है छुपा वो ये है कि आप खुद कुक होने चाहिए या आपको बनाने आनी चाहिए। देखिए, किसी के भरोसे रहना इज नॉट इजी। मैंने जो भी देखा है, जितने भी लोग आज सक्सेसफुल बिरयानी का बिजनेस चला रहे ना दोस्तों, वो खुद कुक है या महाराज है जो केटरिंग के अंदर है। और ऐसा नहीं है कि हम किसी को रखें और वो बना के हमको देगा पैसे कमा के। आज कुक बहुत समझदार है, वो 2-4 महीने में पैसे कमा लेगा, थोड़े सैलरी और लोन ले लेगा, खुद का सेंटर खोल देगा, अपने को क्यों करके देगा। तो हम खुद इसके बारे में सीखे, बिरयानी सेंटर खोले, कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न है, इसमें बहुत अच्छी आइडिया है। और साथ में स्विगी और जोमेटो पे भी बहुत अच्छे से बिकती है बिरयानी, एक हॉट रनिंग आइटम है बिरयानी। तो दोस्तों, बिरयानी का बिजनेस शुरू करने, स्विगी जोमेटो पे डालने के लिए आपको फूड लाइसेंस जरूर लगेगा। अगर आप फूड लाइसेंस बनवाना चाहते हो, FSSAI रजिस्ट्रेशन बनवाना चाहते हो, तो आपको देना होगा आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल। और आप चाहे इंडिया में कहीं भी हो, मैं आपको फूड लाइसेंस बना के दे दूंगा। स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा नाम है समीर, 9029093494, 9769693494। तो दोस्तों, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझे कॉल कीजिए और मैं आपकी मदद करूंगा फूड लाइसेंस बना के देने में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको आज का वीडियो कैसे लगा ये बताना ना भूलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप बिरयानी सेंटर खोलना चाहते हो या ऑलरेडी आप बिरयानी सेंटर चला रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, ये भी हमें बताइए, हम आपका इंटरव्यू लेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।